गोंदिया जिले की आमगांव नगर परिषद के तहत आमगांव बनगांव किदंगी पा मलही पदमपुर कुंभार टोली बेसी रस्मा गोंदिया महाराष्ट्र राज्य में है और राज्य के सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए या इसे केंद्रीय रूप से प्रशासित घोषित किया जाना चाहिए, ऐसी मांग गोंदिया के पास बसे लोगों ने की है। बिरसी रिसामा महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के 8 गांव हैं। इन 8 गांवों की आबादी करीब 40,000 है और इनका राज्य सीमा क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य से सटा हुआ है। पिछले 8 साल से महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत से नगर परिषद की स्थापना को लेकर विवाद खड़ा कर मामला लंबित रखा है। उक्त कोर्ट केस के चलते राज्य सरकार ने प्रशासन जारी रखा है। इस लंबित मुकदमे के कारण 2014 के बाद यहां कोई आम चुनाव नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों का चुनाव ना होने और योजना विकास निधि स्वीकृत ना होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। उक्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिछले 13 वर्षों से इस स्थान पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को अवरुद्ध कर दिया है और नागरिकों को बुनियादी विकास से रोक दिया है। नगर परिषद संघर्ष समिति ने मांग की है कि उक्त 8 गांवों को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर विकसित किया जाए या केंद्र सरकार का क्षेत्र घोषित किया जाए। नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने मी यशवंत मानकर, राज्य शासनाने मागील 8 वर्षापासून नगर परिषदेचा जो विषय आहे हा न्यायालयीन प्रकरण दाखल केला आहे, त्यामुळे अद्यापर्यंत या गावांमध्ये 8 गावांमध्ये नगर परिषदेमध्ये प्रशासकामुळे या गावांचा विकास झालेला नाही। मागील 8 वर्षापासून शासनाकडे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत पण अद्यापर्यंत नागरिकांना न्याय मिळाला नाही। आमची मागणी आहे की राज्य शासनाने न्यायालयीन जो प्रकरण आहे त्याचा त्वरित निकाल लावावा, अन्यथा आम्हाला या राज्यातून या 8 गावातून आम्हाला मध्य प्रदेशमध्ये सामील करावं किंवा केंद्रशासित भाग हा जाहीर करावा, जेणेकरून या 8 गावांचा विकास हा तातडीने तत्काळ पूर्ण स्वरूपात लागू होईल आणि विकासाच्या गतीने आम्हाला न्याय मिळेल। मैं आमगाव नगर परिषद से प्रभा देवी उपराडे, मैं 8 गांव को 8 गांव का मुद्दा को लेकर के आमगाव नगर परिषद का विकास रुका हुआ है और यहाँ की जनता बहुत परेशान है और यहाँ का जो चुनाव हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ का किसी भी तरह से चुनाव होना चाहिए, नहीं तो और इसका जिम्मेदार आमगांव नगर परिषद का जो जिम्मेदार है वो भाजपा सरकार है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि यहाँ का निकाल नहीं लगेगा तो हम एमपी में जाने के लिए हम तैयार है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ का चुनाव होना चाहिए और शासन इसकी जिम्मेदार है तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए भाजपा सरकार तैयार है। बीसीएन न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।